गांव सांजरवास स्थित जलधर में काफी समय से टैंकों में पानी नहीं पहुंचने से परेशान गांव सांजरवास व फोगाट के ग्रामीण जलधर के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरनाग्रस्त ग्रामीणों ने जलधर तक पानी नहीं पहुंचने पर भूख हड़ताल शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान सहित कई नेताओं व सामाजिक संगठनों ने पहुंचकर धरने को समर्थन दिया। हमारे गाँव के तालाब जो जिस जलघर के ऊपर दो गाँव की बस्ती निर्भर करती है, पिछले 7-8 सालों से बिल्कुल नहीं भरे गए हैं। बार बार हम प्रशासन से मिले, पिछले साल हमने इसी मांग को अपनी पूरी कराने के लिए हमने रोड जाम किया था। उस रोड जाम के दौरान हमारे ऊपर सरकार ने मुकदमे दर्ज किए, हमारे कई साथियों को अंदर डाला गया, जमानत हुई। इतनी कुछ हरासमेंट देने के बाद भी हमारे पानी की मांग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी जब सूर्य अपनी चरम सीमा पर है और चारों तरफ पानी की तराई तराई मची हुई है, फिर हमें फिर प्रशासन की याद आई कि हमारे पास मुकदमे तो करती है लेकिन हमारे पानी की व्यवस्था तक नहीं की। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो मांग हमारी पिछले कई सालों से लंबित है पीने के पानी की, वो मांग हमारी तुरंत प्रभाव से इंदिरा कैनाल से हमारे जलघर को जोड़ के और तुरंत प्रभाव से पूरी की जाए, क्योंकि हमारे दो गाँव की कम से कम 15,000 की आबादी पूरी तरह प्यासी बैठी है और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम अब मैं आपके माध्यम से सरकार को यही बता देना चाहता हूं कि अब यहां प्यासे मरने की बजाय हम इस सरकार के लिए, अगर हमारी सुनवाई तुरंत प्रभाव से नहीं पूरी की गई, रोड पे आके बैठेंगे और ये दुनिया के ट्रक हमारे ऊपर लकड़ जोड़े मरेंगे। सरकार मांगे नहीं मानती तो हम किसी तरह का आतंक मचाने के मूड में नहीं है। हम यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना देंगे, 2-3 दिन तक देखेंगे, नहीं तो फिर हमारा अगले 2 दिन के दौरान अगर हमें प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल करेंगे, सामूहिक भूख हड़ताल। और यहाँ इस टेंट के नीचे लाशें नजर आएंगी सरकार को, हम बता देते हैं, नहीं तो हमारा किसी प्रकार का कोई उग्रवादी रास्ता अपनाने का कोई विचार नहीं है। प्रार्थना करते हैं इस सरकार से कि हमारे लिए पीने के जल की व्यवस्था की जाए, अन्यथा हम यहाँ भूखों प्यासे मरने पर मजबूर हो जाएंगे। इनकी जायज मांग है और ये आज से नहीं, मेरे टाइम तो कम से कम आके इनको संभाल तो लेता था। यहाँ नहर में पानी डलवा के इनको इतनी मजबूरी पानी की किल्लत नहीं महसूस होने दी। ये बैठे ये अभी भी आपके पास गांव वाले बात कर रहे थे, पर जो आज जो इनकी डिमांड है ये 100% जायज डिमांड है। और मेरे को जहाँ ये यूज करेंगे मैं इनका साथ रहूँगा, जब तक इनके जो है ये नहीं कहेंगे तो एक क्या है इसका, जो इंदिरा कनाल से इस वाटर वर्क्स का पैसे मंजूर हो गए थे, टेंडर हो गए थे, सारा सामान आया हुआ है, तो फिर इनको तकलीफ क्या हुई, ये मैं पूछना चाहता हूँ इस डिपार्टमेंट से और सरकार से। सरकार दादरी को तो बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रही है, जब मंजूर हो गया सारा सामान आया हुआ है। ये तो मैंने अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की थी, वो बोला जी ठेकेदार नाट गया, तो ठेकेदार तो फिर टेंडर देंगे, वो तड़के फिर नाट जाएगा, तो इनका तो यही सिस्टम होगा। जब तक इन भाइयों को मैं तो यही कहता हूँ कि आके अगर हाई लेवल पर आके कोई आके इनको आश्वासन देगा तब ये जो है ना पक्के मूड में है कि हम अब के नहीं उठेंगे जब तक हमारे पानी नहीं आएगा। और भाई मैं इनके डिस्पोजल पर हूँ क्योंकि इनके मेहरबानी से नेता बना हूँ और मैं तो ये मुकरता नहीं इस बात को। और ये जायज डिमांड ये गाँव की नहीं है, ये वहाँ से शुरू होगा, इंदिरा कनाल से हमने मंजूर कराया, मैं इसके लिए मुकरता नहीं। पता नहीं कौन क्या क्या कोई क्या कहता रहे, मैंने खुद मंजूर कराया था, ये मेरे टाइम वो सरपंच था इसको पता है कि। और इसके टेंडर होने के बाद ठेकेदार अगर ये कह दे कि जी पैसे बढ़ गए अब मैं नहीं कर सकता तो ये इनका कसूर तो नहीं। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।